जी वालेकुम सलाम जी बच्चों आवाज़ आ रही है आपको मेरी अच्छा मैंने जो है वो तकरीबन इतना पढ़ा दिया तो फिर मुझे पता चला है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही जी तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको आप आपको आवाज नहीं आई थी वीडियो स्टॉप हो गई थी जी तो हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करना होता है ये दो तरह की होती हैं एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्शन ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ना ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस की वजह से होती है यानी कि सलूशन में आपके पास क्या होंगे पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस तो जब पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस फ्लो करेंगे तो दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्शन ये होती है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो जैसे कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है या मेटेलिक कंडक्शन होती है ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ये एक केमिकल चेंज होता है क्यों क्योंकि जब एक कंपाउंड स्प्लिट होता है अपने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में तो उसके बाद वो किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाता है तो यहां पर एक केमिकल चेंज आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज आता है लेकिन मेटेलिक कंडक्शन में कोई केमिकल चेंज नहीं आता मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जस्ट फ्लो करते हैं तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है क्यों क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आइंस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो जब आइंस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंडक्शन भी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयंस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और जब आयंस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी जो कंडक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगी लेकिन ये जो मेटेलिक कंडक्शन है ये जो मेटेलिक कंडक्शन है ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है क्यों क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा और मेटल एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो मेटल एटम्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है तो जब मेटल एटम्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस आएगी जिसकी वजह से जो मेटेलिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होती है ठीक है तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक और मेटेलिक कंडक्शन में तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें बैटरी सोर्स होगी बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन होगा तो चूंकि इसमें रिएक्शन खुद बहुत नहीं होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है खुद ब खुद नहीं हो रहा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है तो इनमें जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जो आपने नाम सुना हुआ है नेल्सन सेल आता है डाउन सेल आता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं एक इलेक्ट्रोड जो है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है और चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इसलिए इस इसपे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं एनोड और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं कैथोड और चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इसलिए इस इसपे नेगेटिव चार्ज है अब एक्सटर्नली तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नली हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया लेकिन इंटरनली कैसे कनेक्ट करेंगे इंटरनली हम इन दोनों को इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन होता है ये वाला इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है हमारे पास कंडक्टर भी होता है तो कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो कंडक्टर हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो यहां पर लेट से जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ये हमारे पास मोल्टन एनए है हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मोल्टन या फ्यूज एनएसीएल मोल्टन या फ्यूज एनएसीएल जब भी हम किसी आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो मोल्टन फॉर्म में है या फ्यूज फॉर्म में है तो जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो वो अपने आइन्स में स्प्लिट हो जाता है तो उसका मतलब है सोल्यूशन में हमारे पास सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है तो जो नेगेटिव आइन्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है एनोड तो नेगेटिव आइंस चूंकि एनोड की तरफ मूव करते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं एन आइन्स और पॉजिटिव आइंस किस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है कैथोड पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं इसीलिए हम इनको कैट आइन्स कहते हैं जी अब इनोड और कैथोड इन दोनों पे रिएक्शन होगा इनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है इनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोराइड आइंस यानी कि नेगेटिव आइंस जाएंगे इनोड पे तो दो क्लोराइड आइन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो दोनों क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएंगे और वो दोनों क्लोरीन एटम क्लोरीन गैस बन के स्केप कर जाएगी तो इनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं तो एनोड पे इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करते हुए आ जाएंगे कैथोड पे तो कैथोड पे कौन जाता है पॉजिटिव आइन और कैथोड पे होती है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं तो इंडस्ट्री में हम सोडियम मेटल को इसी तरह प्रोड्यूस करवाते हैं और इस सेल का नाम है डाउन सेल डाउन सेल की मदद से हम सोडियम मेटल बनाते हैं फ्रॉम मोल्टन एन इसी तरह हम कुछ और मेटल्स हैं उनको भी हम इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से उनके मिनरल से मैग्नीशियम को भी हम इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम को भी हम इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं एलुमीनियम को भी हम इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको हम इसी मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से उनके कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो जो मेटल होता है वो हमें कैथोड पे मिल जाता है अगर हमारे पास लेट से मोल्टन लेड क्लोराइड है अगर हमारे पास क्या है मोल्टन लेड क्लोराइड तो जब कोई आयोनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में है तो उसके प्रोडक्ट आप आसानी से बता सकते हो तो इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन में हमारे पास क्लोराइड आयन है और लेड आयन है तो क्लोराइड आयन एनोड पर जाएंगे और वहां क्लोरीन गैस बन जाएगी लेड आयन एनो कैथोड पे जाएंगे और वहां पर हमें प्योर लेड मिल जाएगा तो जब कोई आयोनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में है तो उसके प्रोडक्ट्स आप आसानी से बता सकते हो कि जो नेगेटिव आयन है वो आपको एनोड पे मिल जाएगा मोलिकुलर uh, फॉर्म में और जो पॉजिटिव आयन है वो आपको कैथोड पे मिल जाएगा न्यूट्रल एटम की फॉर्म में ठीक है लेकिन अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में है जैसे कि ये हमारे पास सेल है ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें एनोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है कैथोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो अब जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो एक्वस सोलूशन ऑफ एनएसएल है वो क्या है एक्वस सोलूशन ऑफ एनेस यानी कि एन को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है तो जब हम एन को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस सोल्यूशन का नाम होता है ब्राइन सोल्यूशन तो अब एक्वस सोल्यूशन से यह मुराद है कि अब सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइन्स भी हैं, यानी कि वॉटर के आइन्स भी हैं। वॉटर के आइन्स में हाइड्रोजन आइन्स हैं और हाइड्रोक्साइड आइन्स हैं। और जो सोडियम क्लोराइड के आइन्स हैं, वो हैं सोडियम आइन्स और क्लोराइड आइंस तो अब हमारे पास कंपटीशन होगा अब हमारे पास नेगेटिव आइन भी दो हैं और पॉजिटिव आइन भी दो हैं तो अब एनोड पे कौन जाएगा एनोड पे जाना है नेगेटिव आइन है एनोड पे जाना है किसने नेगेटिव आयन ने तो हमारे पास कितने हमारे पास कौन-कौन से नेगेटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और एक नेगेटिव आयन है हमारे पास क्लोराइड आयन अब एनोड पे होता क्या है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो अब इन दोनों नेगेटिव आयंस में से वो जाएगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जिसकी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने में तो ये हमें कैसे पता चलता है तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये डिफाइन करती है कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा एलिमेंट आसानी से रिड्यूस होता है तो चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है तो इन दोनों आइन्स में से हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन में से वो जाएगा जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है जिसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है तो क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से क्लोराइड आयन का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है तो एनोड पे जाएंगे क्लोराइड आयन, तो दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी तो अब कैथोड पे कौन जाएगा कैथोड पे पॉजिटिव आयन ने जाना है पॉजिटिव आयंस कौन-कौन से हैं एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और एक हमारे पास सोडियम आयन है कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन तो कैथोड पे वो जाएगा जो आसानी से रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन में हाइड्रोजन आयन की के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कैथोड पे जाएंगे नेगेटिव आइन बेसिकली हम कह सकते हैं कैथोड के ऊपर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो दो वाटर मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन आइन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और पीछे सोल्यूशन में क्या रह जाएगा दो हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो क्लोराइड आयन चले गए कहां पे नोट पे वहां पे क्लोरीन गैस बन गई और वाटर चला गया कैथोड पे क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था यानी कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था सोडियम आयन से तो दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और पीछे बच जाएंगे दो हाइड्रोक्साइड आयन तो अब अब हमारे पास सोल्यूशन में कौन से आइन्स रह गए सोल्यूशन में हमारे पास रह गए सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो ये दोनों आइन्स आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे तो दो सोडियम आइन दो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेंगे तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इसी तरह प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज में तो ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इस सेल का नाम है नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल ठीक है तो अगर तो आपके पास मोल्टन फॉर्म में आये कंपाउंड है लेट से अगर आपके पास मोल्टन फॉर्म में मैग्नेशियम क्लोराइड है तो आप आसानी से इसके प्रोडक्ट्स बता सकते हो कि एक हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी दूसरा हमें मैग्नेशियम मेटल मिल जाएगा लेकिन अगर आपके पास कोई एक्वस फॉर्म में है अगर आपके पास सोल्यूशन किस फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में है तो फिर आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो आसानी से नहीं बता सकते उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी कि किस में पोटेंशियल ज्यादा है तो अगर आपके पास सोल्यूशन में नेगेटिव आइंस हैं तो नेगेटिव आइंस का मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं नेगेटिव आइंस में जिसका सबसे कम पोटेंशियल है ऑक्सीडाइज होने का वो है सल्फेट आयन सल्फेट आयन का सबसे कम पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये मैं ऑर्डर बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो हमारे पास नेगेटिव आइंस का ऑर्डर है वो सब सबसे कम है सल्फेट आयन का उससे ज़्यादा है नाइट्रेट आयन का उससे ज़्यादा है क्लोराइड आयन का उससे ज़्यादा है ब्रोमाइड आयन का और उससे ज़्यादा है आयोडाइड आयन का और सबसे ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन का यानी कि अगर आपके पास सोल्यूशन में सल्फेट आइन है और हाइड्रो ऑक्साइड आइन है तो इन दोनों में से कौन जाएगा ए नोड पे अगर आपके पास सोलूशन में सल्फेट आइन है और हाइड्रोक्साइड आयन आइन है तो इन दोनों में से कौन जाएगा ए नोड पे जी बच्चों आवाज आ रही है सबको जी तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रोक्साइड आयन का तो हाइड्रोक्साइड आयन का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है सल्फेट आयन का कम है अच्छा अब आपने ये भी याद रखना है जब हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाती है तो कौन सी गैस बनती है तो चार हाइड्रोक्साइड आयन जाते हैं एनोड पे कितने हाइड्रोक्साइड आयन जाते हैं चार हाइड्रोक्साइड आयन तो चार हाइड्रोक्साइड आयन चार इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस बनती है और दो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं तो ये बात आपने याद रखनी है जब भी हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाएंगे तो चार इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उससे हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे तो अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है अगर कंसेंट्रेशन जो है उसको हम कंसिडर करें तो लेट्स अगर मेरे पास सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन में ज्यादा है अगर सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से तो फिर सल्फेट आयन ही जाएगा एनोड पे ठीक है ये कंसेंट्रेशन वाला इफेक्ट भी आपने याद रखना है ठीक है अगर वो आयन जिसकी टेंडेंसी कम है लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन में ज्यादा है तो फिर जो कंसेंट्रेशन में ज्यादा है वो चला जाएगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कि सर हाइड्रो ऑक्साइड आयन का पोटेंशियल ज़्यादा है क्लोराइड आयन का पोटेंशियल कम है तो फिर नेल्सन सेल में तो फिर नेल्सन सेल में क्लोराइड आयन क्यों गया था नेल्सन सेल में क्लोराइड आयन क्यों गया था तो यहाँ पर मैंने कंसेंट्रेशन के वाले से भी एक बात क्लियर की है अगर एक वो आयन जिसका पोटेंशियल कम है लेकिन अगर वो कंसेंट्रेशन में ज्यादा है तो फिर वही जाके डिस्चार्ज होगा फिर वही अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो क्लोराइड आयन का पोटेंशियल क्लोराइड आयन का पोटेंशियल कम है हाइड्रोक्साइड आयन से लेकिन अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से तो फिर क्लोराइड आयन ही जाएगा एनोड पे ठीक है कंसेंट्रेशन भी मैटर करेगी जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वो चला जाएगा लेकिन अगर दोनों की हम कंसेंट्रेशन इक्वल ले लें तो फिर वो जाएगा जिस, जिसकी जिसका पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन अगर एक वो आइन है जो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद है और उसका पोटेंशियल भी कम है तो जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बेशक उसका पोटेंशियल कम है तो एनोड पे वो जाएगा ठीक है जी वहां पर जो हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया है ना ब्राइन सोल्यूशन हमारे पास जो होता है वो हमने कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं ये जो हमने एनएससीएल सोल्यूशन लिया था ब्राइन सोल्यूशन ये जो ब्राइन सोल्यूशन होता है ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ही होता है इसका मतलब एनएससीएल जो है ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है जी कंसेंट्रेशन में वो आपको बता देगा अगर वो वर्ड यूज करेगा ना डायल्यूट का तो उसका मतलब है उसकी कंसेंट्रेशन कम है जैसे कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है अगर हमारे पास क्या है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसका मतलब है सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन कम है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन अगर हम बात करें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तो इसका मतलब है अब सल्फेट आयन ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन कम है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे चला जाएगा और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन एनोड पे चला जाएगा ठीक है तो गिवन होगा ये हमें तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इंपॉर्टेंस है ये इलेक्ट्रोलिसिस की इंपॉर्टेंस है इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस की एक और भी इंपॉर्टेंस है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अगर आपने किसी मेटल को रिफाइन करना है प्योर करना है तो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मदद से कर सकते हो तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इसमें जो आप इमप्योर कॉपर है उसको एनोड लोगे जो हमारे पास एनोड होगा वो इमप्योर कॉपर होगा और जो कैथोड होगा वो प्योर कॉपर होगा प्योर कॉपर को आपने कैथोड के तौर पे एक्ट करवाना है कैथोड किसको लेंगे प्योर कॉपर को और इमप्योर कॉपर को एज ए एनोड लेंगे हम कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तो इन दोनों को हमने डिप करना है कॉपर सल्फेट सोलूशन में इन दोनों को हमने डिप करना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो इसका मतलब है सोल्यूशन में हमारे पास कॉपर आइन्स भी हैं और सल्फेट आइन्स भी हैं अब होगा क्या इमप्योर कॉपर में इमप्योर कॉपर क्या है एनोड तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन तो यहां पर हमारे पास जो इमप्योर कॉपर है यहां पर सिर्फ जो कॉपर होंगे सिर्फ कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाएगा जी इम्प्योर कॉपर में इम्प्योरिटी भी है और कॉपर भी है तो उसमें जो कॉपर होगा वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो कॉपर आयन बनकर सोल्यूशन में आ जाएगा और वो दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ जाएंगे कैथोड पे अब सोल्यूशन से जो कॉपर आइनस हैं वो जाएंगे कैथोड पे और वहां दोबारा वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वहां कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा तो इस तरह इम्प्योरिटी जो है वो इधर ही रह जाएगी इम्प्योरिटी एनोड पे रह जाएगी और जो कॉपर आइन है वो एनोड से उतर के कैथोड पे डिपॉजिट होता रहेगा तो इस तरह हम इमप्योर कॉपर को प्योर कर लेते हैं जी हम एन की बात करते हैं ज्यादातर ये जो कंसेंट्रेशन में हम बात करते हैं ना वो हम एन की बात करते हैं ठीक है इसी तरह हमारे पास अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है अलेक्ट्रोलिटिक सेल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपने किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जी तो इसमें भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसकी कोटिंग करनी है लेट से आपने स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करनी है जी ये हमारे पास स्पून है ठीक है ये हमारे पास क्या है स्पून तो स्पून के ऊपर आपने सिल्वर की कोटिंग करनी है तो जिसकी कोटिंग करनी है उसको आपने एनोड बनाना है और जिस पे कोटिंग करनी है उसको कैथोड बनाना है यानी कि स्पून को हम कैथोड बनाएंगे और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ और इन दोनों सोल्यूशन इन दोनों को हमने डिप कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सिल्वर का ही सोल्यूशन होगा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है हमारे पास तो अब क्या होगा यहां पर जो सिल्वर के एटम्स हैं यहां पर जो सिल्वर के एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और सिल्वर आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और सिल्वर आइन बन के में आ जाएगा अब वो जो सिल्वर आयन है वो स्पून पे जाएगा जो कि कैथोड के तौर एक्ट कर रहा है तो वहां पर सिल्वर आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वहां सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा तो यहां पर सिल्वर डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड पे तो इस तरह हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इंपॉर्टेंस है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या पढ़ा इसमें हमने पढ़ा कि एक अगर तो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके प्रोडक्ट्स हम आसानी से बता सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास एक्वस फॉर्म में वो आयनिक कंपाउंड है तो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखेंगे लेकिन नेगेटिव आइन्स में अगर हमारे पास कोई कंसेंट्रेशन में ज़्यादा है जो आयन कंसनट्रेशन में ज़्यादा है तो हम वो जो है एनोड पर जाके डिस्चार्ज होगा इसके बाद हमने कहा कि हम कॉपर को प्योर कर लेते हैं बाय दिस मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इमप्योर कॉपर ए होगा प्योर कॉपर कैथोड होगा और इलेक्ट्रो electro, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस पे कोटिंग करनी है वो कैथोड और जिस की कोटिंग करनी है वो ए नोट क्लोराइड आयन नेल्सन सेल में क्लोराइड आयन इसलिए डिस्चार्ज हुआ क्योंकि वो कंसेंट्रेशन में ज्यादा था क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा था कंसेंट्रेशन में इसलिए वो डिस्चार्ज हुआ अच्छा अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो जो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है, फ्लोस फ्रॉम एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली 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 इलेक्ट्रिक करंट कहा से किस तरफ फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ लेकिन इंटरनली सर्किट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम कैथोड टू एनोड इंटरनली इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ और एक्सटर्नली फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ तो इलेक्ट्रिक करंट जो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है एक्सटर्नली वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इंटरनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड वो आइंस की मदद से होता है आइंस फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड इंटरनली और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एनोड टू तो कैथोड एक्सटर्नली जी क्वेश्चन है During electrolysis of aqueous potassium nitrate, hydrogen is produced at cathode instead of potassium. डू टू ऑप्शन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन जी बीटा ऑप्शन है हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव देन पोटेशियम चार्ली ऑप्शन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लेस देन हाइड्रोजन डेल्टा है ऑल ऑफ द अबव जी बच्चों जी जब हम इलेक्ट्रॉलिस करते हैं एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट की तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है कैथोड पे इंस्टेड ऑफ पोटेशियम क्यों क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम का कम है हाइड्रोजन का ज़्यादा है दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है वहाँ पर जाता है और वहाँ जाके रिड्यूस हो हाइड्रोजन गैस बनती है जी बच्चों अब हमारे पास गैल्वेनिक सेल रहता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहती है तो ये हम कल डिस्कस करेंगे अभी आपकी इंग्लिश की भी क्लास है फिर बायो की भी क्लास है तो अगर हम गैल्वेनिक सेल शुरू करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आज क्लास लेट शुरू हुई थी पॉजिटिव आइंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें डिफाइन करेगी ताकि हम इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में इसलिए डिप करते हैं ताकि सॉल्यूशन में उसके आइन्स मौजूद हों क्योंकि अगर कोई और आइन होंगे तो फिर उस आइन उस आइन का भी चांसेस होंगे कि वो भी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे अगर उसके आयंस नहीं होंगे अगर कोई और आयंस होंगे तो फिर उस आयन के अंदर भी एबिलिटी हो सकती है कि वो एनोड या कैथोड पे चला जाए जी बच्चों तो गिलवैनिक सेल जी जी क्वेश्चन करें आप तो गिलवैनिक सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हम कल डिस्कस करेंगे हाँ जी अगर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं जी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हम उसकी वैलेंसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि वो किसी कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज पियर कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट हो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हो सकता है उस तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है तो हो सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के अंदर कुछ और आता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली वो है जो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के ऊपर होता है ठीक है तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली वैलेंसी है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट जो चार्ज बियर कर रहा होता है या जितने ऑपोजिट आइन्स उसको सराउंड कर रहे होते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इलेक्ट्रो आइंस जो है वो सोल्यूशन के अंदर मूव कर रहे हैं ना तो आइंस जब सोलूशन में मूव करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यानी कि इंटरनली जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा जैसे कि इसमें एग्जांपल ये है कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें सोडियम so, क्लोराइड में सोडियम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्लस वन है सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है प्लस वन लेकिन अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे ना तो बेसिकली इसको छ क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्लस वन है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका सिक्स क्योंकि छह क्लोराइड इसको सराउंड कर रहे हैं ठीक है अब आपकी इंग्लिश की क्लास है फिर बायो की क्लास है इंशाल्लाह कल हम ये यूनिट कंप्लीट करेंगे इसमें गलवेनिक सेल शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक लिंक्ड हैं तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफिज